सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। अभी बज गया है 2:07 और डेस्टिनेशन तो आपको पता ही है, मेरा टाइटल पे दिख रहा होगा। एंड अनदर थिंग्स जो है, अभी एक सस्पेंस है, और भी लोग जाएंगे मगर कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। 17 नवंबर आज का डेट है। रास्ता पूरा खाली है। अभी रात के 2:10 हो गए हैं टाइम। हाँ, ये मेरा 2020 का फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप है। लॉन्ग ट्रिप नहीं है, इसके पहले मैंने पूरी गया, छोटा मोटा मंदारमोनी ये वो वक्कली बहुत सारा किया, मगर पहाड़ पे इस साल मेरा पहली बार कदम मैं रखने जा रहा हूँ। तो जस्ट नाउ मैंने साइंसिटी क्रॉस कर लिया। मैंने लेफ्ट नहीं लिया महाब्रिज के तरफ, जस्ट वाई बिकॉज के अभी महाब्रिज बंद है रात को बाइक के लिए। एंड सेकेंड थिंग जो है, मैं यहाँ से सीधा जाके उल्टोडंगा से या श्याम बाजार से जाके मैं डालो पकड़ लूँगा, वहाँ से दक्षिणेश्वर बीच और फिर वहाँ से मैं डानकुनी में आराम से पहुँच जा सकता हूँ। डानकुनी क्रॉस करके और रुकना नहीं चाहता हूँ ये रास्ते पे, मगर मेरे को रुकना पड़ेगा। बाकी टीम मेंबर्स थोड़ा लेट है और मैं तो फिलहाल अभी टाइम से जा रहा हूँ। कमलेश दा भी आने वाला है, ज़्यादा लेट नहीं होगा उनका। सो अभी हम लोग हैं दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में, गाड़ी बढ़ रहा है। अभी टाइम हो गया है 3:50। मेरे साथियों आगे जा रहा है, देखिए कैसे चमक रहा है वो लोग, कैसे चमक रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद ना मूड आ गया भाई साहब, बहुत दिन बाद एक मूड आ गया। पालसी टोल प्लाजा और अभी टाइम हो गया है 4:25। एवरेज स्पीड अच्छा था हम लोगों का, ज़्यादा नहीं था, 80 एवरेज स्पीड था। पालसी अभी क्रॉस कर गया और यहाँ पे ऑपोजिट साइड में ना ट्रकों का बहुत ज़्यादा जैम है, आप देख सकते हो। और ठंड में ना बहुत ज़्यादा ठंड है आज। ये देखिए अभी भी ये जो है, अभी भी ये बांधने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहा है कि अभी भी चल रहा है इनका। कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है। ठीक, आप आगे जाइए। अरे हिंदी आसे ना बोलिस ना, हमसे अच्छा हिंदी आपको नहीं आएगा बाबू, जाइए। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। मैं तो जाने वाला हूँ, आपको पता ही है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और जो सेकंड थिंग है, मेरा जो बाकी टीम मेम्बर्स है तो वो लोग सीधा जाएंगे। क्यों सीधा जाएंगे तो इसका भी बहुत ज़्यादा रीज़न है। वो लोग जाएंगे उत्तराखंड और मैं जाऊंगा सिक्किम। जी हाँ, एक्चुअली मेरा छुट्टी कम था, उन लोगों का छुट्टी ज़्यादा दिन का था, इसीलिए उन लोग जा रहे हैं सीधा उत्तराखंड और मैं जा रहा हूँ छोटा मोटा सिक्किम ट्रिप। देखते रहिए आप लोग। सिक्किम का पुलिस का हाथ में अरेस्ट मत हो, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। इसको ना एक दिन मैं पेलूँगा, मुन्ना भैया एक दिन पेलेगा। चलो टाटा, चलो बाय। वो लोग निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, जेखने ब्रेके दाड़ा में फोन करबे और मैं यहाँ से जाऊँगा लेफ्ट। चलो निकलते हैं। अभी टाइम हो गया है 5:20 और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। फिर रुकना वुकना बाकी सब बाद में देखा जाएगा। बर्धमान रेलवे स्टेशन और बर्धमान जो मेन जगह है वो, उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी। और अभी टाइम हो गया है 5:30, सुबह के 5:30। ये देखिए जन्नत को, देखिए जन्नत लग रहा है। कहाँ से आप गाड़ी चला रहे हो भाई साहब, और वो भी अभी टाइम हो गया 5:50। सुबह के 5:50 को आप गाड़ी चला रहे हो, वो भी ऐसे रोड पे। आप सोचो, वाकई में ये जो रोड है ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। और रात को होता ना, इसमें लाइट गिरता तो आपको और भी चकाचक लगता। इससे खूबसूरत सुबह हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था तो मैं सोचा नहीं आँख वाँख लग जाए कहीं पे। जो ये जो है ना, इसमें मैं चाय लाया था, गंदा हो गया धूल मिट्टी लगकर। अभी हो गया 7:20 और यहाँ से अभी दिख रहा है कि 106 किलोमीटर है फारक्का बैरेज। तो चलते हैं। हाय 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 हाय, सच में हालत ख़राब है भैया। होए 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 होए, अभी मोरग्राम आया नहीं और रास्ता इतना ख़राब। फाइनली मोरग्राम आ रहा हूँ, मगर ये जो रास्ता है ना, अब खुद देखिए रास्ते का हालत तो एकदम बेहाल है, बेहाल। ओए बहुत ही बेहाल। ये जो रास्ता जिंदगी में क्यों नहीं ठीक होता, जिंदगी में ठीक नहीं होता। ये नहीं कि ये मतलब आज ऐसा है, ये मतलब मैं जब भी आज तक जितना बार मैं आया हूँ, ये रास्ता सेम टू सेम एज इट इज़ ये ऐसा रहता है। सिलीगुड़ी लेफ्ट, मालदा लेफ्ट, फरक्का लेफ्ट। अरे ये वाला लेफ्ट नहीं, आगे से लेफ्ट। बाप रे बाप, ये गड्ढा देखो देखो भैया, तब आपको लगेगा कि हाँ अब जा रहे हैं सिलीगुड़ी मालदा फरक्का। चलो चलते हैं, बहुत रास्ता बाकी है। अभी रुक के कहीं खाना पड़ेगा मुझे, बहुत भूख। एक्चुअली मैं खाना लाया हूँ, मेरे बैग में खाना है और खाना मुझे खाना पड़ेगा। देखते हैं आगे, कोई 5-10 किलोमीटर आगे जगह में कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई खाली ऐसा जगह मिलेगा। पहले खा लेना चाहिए था। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। टाइम हो गया आपका 9:27, 9:30 के आसपास। हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लगा था। रास्ते पे खाली जगह तो मिला नहीं मेरे को, तो जहाँ मिला धूप में खड़े रह के वही अंदर घुसा लिया खाना वाना। चलो अभी चलते हैं, कितना आगे चल पाते। गया है 10:12 सुबह का और मैं हूँ फरक्का ब्रिज पे। जी ये फरक्का ब्रिज है, फरक्का बैरेज है, सॉरी ब्रिज नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये बीच में ये कहाँ से आ रहा है। मेरे पिछवाड़े को बहुत ज़्यादा दर्द भरा एक एहसास दे रहा है। ओह बैरेज खुला हुआ है शायद, हाँ बैरेज खुला हुआ है। अच्छा हुआ टाइमली ये फरक्का क्रॉस करके। और सामने का रास्ता जो आने वाला है ना, कालिया चक, वो रुला देने वाला रास्ता है। जैमेर भेतर दी जाती आपातत कालिया चक का स्पेशल जैम जो है। ये सब बस के पीछे जाइएगा ना, एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए कौन पानी फेंक रहा है, ठीक है, कौन मुंह से पानी फेंक रहा है। ये सब जगह ना कि पत्थर से पूरा ख़राब था। ये देखिए बाएं वाला जो रोड था ना, ये रोड से लास्ट मंथ सब जितना भी लोग गए हैं बहुत ख़राब था। बोल रहा था कि यहाँ पे उन लोगों का 1-1/2 घंटा चल गया। मुझे खुद पता नहीं कि ये ट्रैफिक से मैं कैसे निकलूं। चलो देखते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गया काम से, सामने तो कोई गाड़ी हिल ही नहीं रहा है, हम कैसे हिले। चलो शॉर्टकट। ये कहाँ आ गया भैया। चलो जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। अरे भैया चलो 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 अब तो गया काम से। चलो चलो नहीं, अब नहीं जा पाएंगे। फिलहाल 10 मिनट में निकल गया वहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इधर उधर पूरा उबर कवर करके निकला है। ये देखिए डाइवर्शन लिखा था, बाएं का रोड काम नहीं कर रहा है और डाइने से हमको चाप के निकल रहा है। तो आगे अभी मैं मालदा बाईपास वो जा रहे हैं मालदा, और ये रहा मालदा बाईपास। अभी टाइम हो गया है 11:10 और ठीक है, टाइम के हिसाब से अभी चल रहा हूँ। ज़्यादा फास्ट भी नहीं हूँ, ज़्यादा स्लो भी नहीं हूँ, एकदम परफेक्ट जा रहा हूँ। अच्छा रिदम है मेरे ख्याल से। और ये बाईपास अगर नहीं लेते ना तो मालदा से घूम के अगर जाते तो कम से कम वहाँ से 1 घंटा लगता, 45 मिनट्स टू 1 घंटा। वहाँ का जो जैम होता है, लोकल ट्रैफिक एरिया है, एकदम भरपूर जैम होता है। और ये बाईपास शॉर्टकट है टुवर्ड्स गाजुल और रायगंज की तरफ। ये जो मालदा बाईपास है ना, अभी बहुत सही बना है, एकदम नया रास्ता, चकाचक रास्ता, बहुत सही बना दिया इसको। आ गया मेरा लंच करने वाला होटल, मालदा होटल। देखता हूँ खुला है कि नहीं। यहाँ पे तो आके हर बार मैं लंच करता हूँ। चलो बढ़िया है। एक ओके मैंने साथ देखो ये गलो। अभी जो बहुत सारे राइडर यहाँ पे आया था, एक साथ लंच वंच किया। मैं थोड़ा रेस्ट ले लिया, एक 1-1.5 घंटा हो गया। अभी टाइम हो गया 1:15, तो अभी यहाँ से निकलना है। बहुत ज़्यादा देर कर दिया, मैं यहाँ पे 11:30 बजे घुसा था। ठीक है चलो। This is our story, it's written on the wall of what you did, what I did, then more than a letter to each other, don't wipe out what's on my mind, it's been a while since I could hold my head up high, now I know I can take it. अभी टाइम हो चुका है 2:20 एंड वी हैव एंटर्ड रायगंज। आई हैव एंटर्ड, सॉरी वी, बहुत ज़्यादा निकल जाता है एक्चुअली। टीम में बहुत दिन ट्रैवल किया हूँ, आज सिंगल, आज सोलो राइड कर रहा हूँ एंड आई नीड योर सपोर्ट एंड ऑल। रोड अभी बन रहा है ना, ये रोड आपका डालखोला तक 4 लेन हो जाएगा यहाँ से रायगंज से, और रायगंज से यहाँ से ब्रिज हो जाएगा, जो कि ब्रिज आपका वो रायगंज का सिटी आपको घूमना नहीं पड़ेगा। ये काम चल रहा है, मतलब कुछ बरसों में काम ख़त्म जल्दी हो जाएगा, तो देख पाएगा, मतलब सब लोग आ सकते हैं, मतलब और क्या, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बटोलबाड़ी रोड ले लिया है, थोड़ा रायगंज से 12 किलोमीटर आगे जाके राइट टर्न है एक तो जगह, और यहाँ पे अभी 4 लेन हो रहा है। और ये है बोतलबारी रोड का कंडीशन। ये गाँव के अंदर रास्ता है, तो अच्छा हुआ दिन के दिन मैं घुस गया। अभी बज गया आपका 2:45 PM आफ्टरनून। खड़ा हूँ बोतलबारी रोड पे, तो यहाँ से लगभग सिलीगुड़ी लगता है 4 घंटा, तो होपफुली अभी बज गया 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक तो आराम से पहुँच जाऊँगा होपफुली। और धीरे आहिस्ता धीरे चलाऊँगा, ज़्यादा कोई मतलब प्रेशर नहीं है। और हाँ, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कहाँ से कैसे जाता है। चलो ना, ये जगह का नज़ारा आज तक नहीं देखा भाई। ओह क्या सुपर जगह है, देखिए 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 नॉर्थ बंगाल का ब्यूटी देखिए। ये जगह से हम लोग रात को जाते हैं ना, सिर्फ रोड ही दिखाई पड़ता है, ये जो नज़ारा है नहीं दिखाई देता। सच में आज दिन के उजाले में देख लिया, बहुत कुछ अच्छा लगा, नो डाउट यार, व्हाट ए प्लेस। तो मैं अभी आ गया हूँ, ये धानतला मोड़ का क्रॉसिंग है। अरे भाई साहब, धानतला ना एकदम, ये रास्ता मतलब सेम टू सेम है। ये रास्ता तो अभी बहुत ख़राब निकलने वाला है। कमलेश दा का गड्ढा यहाँ पे था, खोदा था यहाँ पे कमलेश दा का। लास्ट ईयर वो पूरा पीछे का जो रिंग था वो बेंड हो गया था, सामने का रिंग भी पूरा बेंड हो गया था, मतलब एकदम बेंड नहीं, पूरा एकदम पूरा हवा निकल गया था, ऐसा लगा था। ये पॉट होल्स यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, हमको सही से चलना पड़ेगा। ये सब देखिए, बहुत ख़तरनाक पॉट होल्स, और रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, एकदम झकात करके गिरा। चलिए छोड़िए, अभी निकलते हैं, अभी चलते हैं सिलीगुड़ी की तरफ। अभी सिलीगुड़ी है और ज़्यादा नहीं, 70 to 80 किलोमीटर मोर। अभी बज गए 5, होपफुली मैं डेढ़ घंटे के अंदर। ये देखिए बीच में जो पोर्टल्स है ना, आपको नहीं दिखेगा। होपफुली 6:30-7 बजे के अंदर में पहुंच जाऊँगा। 2 घंटा तो लगेगा, ये ख़राब रास्ता है। अभी चलो देखते हैं कितना लगता है टाइमिंग। अभी हो गया है 5:10। मैं भी पहुंच गया हूँ इस्लामपुर, और सिलीगुड़ी यहाँ से 60-70 किलोमीटर से दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर पकड़ लीजिए। हाँ, इस्लामपुर टू सिलीगुड़ी 70 किलोमीटर ही होता है। Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside. Finally I reached Siliguri now. और अभी टाइम हो गया है 6:44। गुड टाइम। मैं आज तक सिलीगुड़ी इतना मतलब ये 6:30 बजे नहीं घुसा हूँ। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मैं जितना भी कोशिश किया हूँ, मिनिमम था मेरा 8 बजे, तो सही है, ठीक है। चलो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं पहले होटल रूम में जाता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। और होटल रूम यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो सामने ही है। चलो एक बार होटल मैनेजर को कॉल कर लेता हूँ। ओके, अभी रूम पे मिलते हैं। हाँ चलो। सो हाय गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ सिलीगुड़ी मेरा होटल पे। ये मेरा होटल का रूम है, काफ़ी अच्छा है। और मेरा सामान उधर में है, यहाँ पे मेरा बैग्स एंड ऑल, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ आज, अभी जल्दी सोने वाला हूँ मैं, तो ज़्यादा लेट नहीं करके सोने वाला हूँ। अभी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं। चलो अगला पार्ट में मिलते हैं, अगला व्लॉग पे मिलते हैं। ये मेरा कोलकाता टू सिलीगुड़ी का व्लॉग था। ज़रूर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मेरा अगला वाला वीडियो आने वाला है, ब्लॉग्स बहुत सारा आने वाला है। आपका भाई ने गोप्रो भी ले लिया है, तो आपको एकदम क्लीन फुटेज मिलेगा, उसके साथ एकदम रॉ ऑडियो, रॉ फुटेज, एवरीथिंग। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और हाँ, अगर कुछ ज़्यादा कुछ जानना है, पूछना है, तो कॉमेंट सेक्शन में आइए। कॉमेंट सेक्शन में आके कुछ भी पूछिए, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, नहीं करना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया। चलो अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, और सब लोग बहुत बढ़िया रहो, अच्छा रहो। मिलते हैं कल का ब्लॉग में। चलो।